हेलो नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं कैसे सीखूं यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अपने चैनल पे, क्योंकि मैं कुछ अपने काम में व्यस्त था, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों, आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये ट्रेड इंक्वायरी का, देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है, ये ट्रेड इंक्वायरी का जो अच्छा सा लुक आता है, ये अच्छा सा लुक कैसे हम इसको बनाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम बनाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेज ले लेना होगा। चलिए मैं ये एक पेज यहाँ पर नहीं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको वाइट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपको करना है फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको ओके करते ही एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप जिस पेज का साइज आपको जो लेना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं पेज का साइज फिर से आपको मैं बता देता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह का पेज आपका आ जाएगा। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे आप इसको कलर, कुछ इसमें कलर का इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इसमें कोई सा कलर ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये कलर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको कैसे बनाता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक और न्यू पेज लेना होगा, ठीक है। पेज लेने के बाद आप सिंपल सा क्या करना है, आपको इसको कट कर लेना है। यहाँ से आपको ये टूल को सेलेक्ट करना है, क्लिक करके सेलेक्ट करके, उसके बाद या आप ये जो है ये टूल को कट टूल वाला जो है इससे जो कटता है, तो आप इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल को आप सी से भी प्रेस करके आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे क्रॉप टूल को, और यहाँ से हम एक छोटा सा इसको जो है क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपको मूव कर देना है इस वाले पेज पे। तो चलिए मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और मैं क्लिक बटन को दबा के रखूँगा और इस पर ला के मूव कर दूँगा। देखिए दोस्तों इस तरह का यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप ये सेकेंड वाले टूल जो है, इस टूल को आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इसका जो डिफरेंस है, देखिए आप रूलर से भी इसको कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये आपका रूलर जो है ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आर दबाते ही आपका देखिए यहाँ पे रूलर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ 5 पे, ठीक है, 5 पे नहीं 6 पे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक लेता हूँ यहाँ से और इसको 12 पे मैं 6 और कितने का डिफरेंस है, 12 पे रख देता हूँ, ठीक है। आपको यदि ये छोटा बड़ा लगे तो आप यहाँ से फिर से भी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 3 पे ला के, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो बाद में भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना एक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको ये टूल ले लेना होगा। ये टूल ले के उसके बाद आपको यहाँ नीचे इस पर थोड़ा सेलेक्ट करना है, तिरछा ऐसे आना है, ठीक है। तिरछा आके आपको तिरछा आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जितना नीचे आप रखना चाहते हैं, पतला या मोटा, उतना आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके ऐसे क्लिक करके या नीचे लेते आना है, ठीक है, और सेलेक्ट करके इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये डिलीट हो गया। चलिए हम इसको कंट्रोल डी से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप इसको चाहे तो आप अपना हिसाब से तिरछा कर सकते हैं, जितना तिरछा आपको चाहिए। तो मैं फिलहाल इतना ही रहने दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर से इसको सेलेक्ट करके इतना ही रहने देना है जितना आपको चाहिए। उसके बाद आपको फिर से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से
सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ डिलीट या बैक बटन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ। अब इसको देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। या आप इसको छोटा कुछ कट कर सकते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा जो है पतला है और ये वाला हिस्सा जो है मोटा है, तो चलिए थोड़ा सा इसको और कट कर लेते हैं हम। इस तरह से हम इसको फिर से कट करके बैक कर देंगे। उसके बाद देखिए कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ से भी इसको हम बीच से कट कर देंगे। चलिए इस पर सिलेक्ट करके बीच में, और यहाँ से आप शिफ्ट बटन के साथ इसको कट कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल या बटन को प्रेस करेंगे, बैक वाले बटन को, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हम इसमें कोई सा कलर को ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रेड कलर, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे टी वाले ऑप्शन पे, या आपको कलर का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके आप इस पर क्लिक करके ये पेंट वाले पे टूल पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आपको कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कलर को चूज कर लें। जैसे कि यहाँ ब्लैक है तो मैं इस पर रेड ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके बटन पे प्रेस कर देना है। ओके बटन पे जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ इस पर आपको ये वाला टूल को सिलेक्शन फिर से करना है, सिलेक्ट करके इस पर आपको मूव कर देना है। सर ये पूरे पे हो गया, सबसे पहले इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये वाले टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कर देना है। देखिए इस प्रकार से ये रेड हो गया है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखिए, जैसे कि मैंने कुछ डिजाइनिंग करके रखा था, पहले से देखिए ये देखिए इसका पट्टी जो है ये थोड़ा पतला है। आप पतला मोटा तो अपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी बटन को प्रेस करना है, ये देखिए सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप पकड़ के थोड़ा नीचे इसको एडजस्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको जितना रखना है उतना एडजस्ट कर देना। आप देखिए सेम इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सिर्फ मूव करके आप जहाँ इसको रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सिंपल सा आप वहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करके देखिए, या नीचे देखिए, इस तरह से आप अच्छा सा लुक दे सकते हैं। पूंछ जैसा जो देता है दोस्तों, ये पूंछ निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए इस प्रकार से आप इसका डिजाइनिंग को कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कुछ सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमारा आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लव सिंह मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।